1200 मुरीद थे आपके, अब मुरीदों का झगड़ा हो गया कि वो बोलते हम बुरे मुहिम मुबारक देंगे, दूसरा बोला हम लेंगे, तो सरकार ने फरमाया हम पर्दा करें तो हमारे सामने मुहिम मुबारक रख देना। सरकार ने पर्दा फरमाया, मुहिम मुबारक सामने रख दिया, आपकी बाई आँख खोली उड़ते मुहिम मुबारक आँख में आ गए, जब से आपकी आँख में मुहिम मुबारक है। अच्छा। और आपकी सिपाहियाँ होती है, आपकी आँख में मुहिम मुबारक है, आपके सीने में भी रखते हुए मुहिम मुबारक है, 12वीं सर की ज्यारत कराते। अस्सलामु अलैकुम गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम जा रहे हैं एक और दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए। आज हम सूरत के इलाके बेगमपुरा के कब्रिस्तान में एक अल्लाह के वरी आराम फरमा रहे हैं, जिनका नाम हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम मोहम्मद तहदारी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह है। आप तहदार के इलाके में रहने वाले थे, इसलिए आपके नाम के आगे तहदारी लगाया जाता है। और ये इलाका ईरान में मौजूद है, और यहाँ सूरत में लोग हज़रत को हज़रत तहदारी के नाम से मशहूर और मारूफ है ये दरगाह। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको सारी डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और आपको सारी जानकारी भी देने की कोशिश करेंगे। हज़रत का जब ईरान से हिजरत करके सूरत तशरीफ लाए तो आपका चर्चा चारों ओर फैलने लगा। तब सूरत के पास ही कामरेज नाम के इलाके में एक राजा था जिसे कोढ़ की बीमारी थी। उसे बहुत सारे हकीम वेदों को बताया लेकिन शिफा नहीं मिलती थी। जब उसे पता चला कि सूरत के इलाके में अल्लाह के वली आए हैं, तो वो राजा हज़रत से मिलने के लिए उनकी बारगाह में आया। अब देख सकते हैं ये वही राजा की मज़ार शरीफ है, और उन्हें अपना पूरे प्रॉब्लम्स दिखाई बताई। तो हज़रत तहदार ने फरमाया कि अपनी आंखें बंद करो, और उसने अपनी फौरन आंखें बंद करी और फिर आंखें खोलने को कहा, तो देखा कि उसे कोई बीमारी थी ही नहीं, उसे शिफा मिल चुकी थी। आपकी करामत को देखते हुए उसने आपके हाथों पर कलमा पढ़ा, और अब उसकी मज़ार भी आपके आस्थाने के बाजू में ही मौजूद है, जो कि आपने पहले देखी। आपका नाम हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद देदार रहमतुल्लाह अलैह है। आप इराक के अंदर बुखारा के अंदर देदार गांव है, वहीं से आप तशरीफ लाए। अच्छा। सूरत में सब दीदार करते हैं, ख्वाजा दीदार, मगर आपका नाम ख्वाजा सैयद मोहम्मद देदार है। देदार, हाँ, ख्वाजा देदार के नाम से जानते हैं। अच्छा। आपके साथ दो खलीफा साथ में आए थे, हजरत हुसैन साहब और हजरत मुराद साहब बाओ, मुबारक साहब बाओ, सैयद हुसैन साहब बाओ, सैयद मुबारक साहब बाओ, और साथ में मुहे मुबारक लेके आए थे। मुहिम मुबारक लेके आए थे आपने, यहाँ पे 400 ने आपको पर्दा करने को 429 साल हो गया। अच्छा। पर्दा करने की तारीख 429 साल, पर्दा करने के टाइम पे 1200 मुरीद थे आपके, अब मुरीदों का झगड़ा हो गया कि वो बोलते हम बुरे मुहिम मुबारक लेंगे, दूसरा बोला हम लेंगे, तो सरकार ने फरमाया हम पर्दा करें तो हमारे सामने मुहिम मुबारक रख देना। सरकार ने पर्दा फरमाया, मुहिम मुबारक सामने रख दिया, आपकी बाई आँख खोली उड़ती मुहिम मुबारक आँख में आ गए, जब से आपकी आँख में मुहिम मुबारक है और आपकी सिपाहियाँ होती है, आपकी आँख में मुहे मुबारक है, आपके सीने पे भी रखते हुए मुहे मुबारक है, 12वीं सर की ज़ियारत कराते। इसका क्या किस्सा है? मुहे मुबारक सरकार की आँख में, इसके लिए यहाँ पे सभी लगा हुआ है, दुरुस्तरी पढ़ना है, 3 बार लगाना है, दुरुस्तरी पढ़ के लगाना है, और आखिरी में लगाने वाली मदद या ख्वाजा देहदार, ऐसा 3 बार लगाना है, और ऐसा खड़ा रख के पूरा सर पे घुमाना है, कोई नस सको भाई वो खुल जाएगी इंशाल्लाह। खाजा बाबा में सब कुछ सिखा होती है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।